नमस्कार दोस्तों, करियर टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर टच। जो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2020 में फ्रेशर्स जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, या 2020 में फ्रेशर्स कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां पे करें। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और 2020 में फ्रेशर्स के लिए जॉब कितनी, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपने इंजीनियरिंग फ्रेशर हो या बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, एमबीए किया हुआ, तो जॉब के लिए जो बेस्ट पोर्टल साइटें हैं आप सब लोग जानते हो कि naukri.com है, साइन है, इनडीड है, और उसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी साइटें चलती रहती हैं, बट नौकरी, इनडीड ये तो बेस्ट साइटें हैं जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हो, सीवी अपलोड कर सकते हो। और यहां पे सीवी अपलोड करने के बाद आपको देखना पड़ेगा अपनी कैटेगरी वाइज कि जॉब हमें कहां अप्लाई करनी है और हमें कौन सी जॉब चाहिए, हमारी सैलरी रेंज क्या है। वहां पे एक्चुअली आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, उस प्रोफाइल के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। तो मेरा बस ये रिक्वेस्ट है फ्रेशर से, प्लीज सबसे पहले अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बनाए, सीवी जिसको हम कहते हैं, रिज्यूम जब बन जाए तो उसको हर पोर्टल पे, naukri.com पे, इनडीड पे, साइन.com पे, इन सब पोर्टल्स पे आप अपलोड करो, और जो जॉब है वहां पे जाके आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। उसके अलावा एक बड़ी पोर्टल का नाम, प्रोफेशनल पोर्टल का नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के बारे में शायद फ्रेशर्स को उतना नहीं पता होता, फ्रेशर्स लिंक्डइन को सीरियस नहीं लेते हैं। मैं भी जब फ्रेशर था तो मैं भी लिंक्डइन को इतना सीरियस नहीं लेता था। जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो चीजें पता चली कि लिंक्डइन से जितनी बड़ी जॉब मिल सकती है आपको ना, जितनी जल्दी मिल सकती है और हाई सैलरी जॉब मिलती है लिंक्डइन से, मतलब जो पैकेज होता है सैलरी का वो बहुत अच्छा होता है लिंक्डइन से जॉब के लिए। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप जाओ लिंक्डइन पे, अपना अकाउंट बनाओ, है नहीं अकाउंट तो साइन अप करो, साइन अप के बाद फिर वहां अकाउंट वेरिफिकेशन होता है, नॉर्मल प्रोसेस है, उसके बाद फिर वहां आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, वहां जॉब्स देखोगे, वहां पे भी आप अपनी प्रोफाइल पूरी डिटेलिंग में बना सकते हो कि आपको किस प्रोजेक्ट में कॉलेज में काम किया था, क्या क्राइटेरिया है, क्या लैंग्वेज आती है, क्या क्या आपको चीजें पता है, और क्या आपने स्टडी किया हुआ, कौन सी डिग्री है, सारी डिटेल वहां पे आप मेंशन कर सकते हो, अपनी हॉबीज। उसके बाद फिर वहां से आपको जॉब के लिए मेल और कॉल दोनों आएंगे। देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मैंने किया नहीं हुआ, बट स्टिल मैं बता रहा हूं फ्रेशर्स के लिए थोड़ा जॉब लेना टफ होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। हर कंपनी चाहती है कि वो एक्सपीरियंस बंदे को रखे और उसको सिखाना ना पड़े, उसका टाइम वेस्ट ना हो और उसका काम चलता रहे, बिजनेस आगे बढ़ता रहे, ना कि पीछे आए। बहुत कम कंपनी जैसी हैं जो फ्रेशर्स को हायर करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, ट्रेन करने के बाद बॉन्ड साइन कराती हैं, बॉन्ड साइन के बाद उनको काम कराती हैं, उनको लगता है कि ये बंदा इतना आउटपुट दे देगा, उसके बाद अगर वो उस कंपनी छोड़ के जाना चाहता है तो चला जाए। लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह की कंपनी में जाना चाहते हो। फ्रेशर हो तो जल्दबाजी में डिसीजन ना लो, चाहे आप आईटीआई किए हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक किए हो, चाहे बीटेक किए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, चाहे एमबीए किए हो, चाहे बीबीए, बीसीए, कोई भी प्रोफेशनल और नॉन टेक भी कोर्स किया हुआ हो, तो प्लीज कंपनीज को पहले देखें कंपनी सही है या नहीं है, क्योंकि फ्रेशर्स के साथ बहुत सारी लूट मची रहती है कंसल्टेंसी की। बहुत सारी फेक कंसल्टेंसीज आपको मिलेंगी, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, चाहे नोएडा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कलकत्ता हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी स्टेट हो, इन कंसल्ट फेक जॉब वालों की भीड़ मार्केट में है, जो फ्रेशर से बहुत सारी इनकम करते, अपना एक नेटवर्क फैलाए हुए हैं और एक गारंटी लेते हैं कि आपको जॉब दिलाएंगे। तो प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहें और अपनी जॉब देख के समझ के तभी अप्लाई करें। एक रुपए भी अगर कोई मांगे तो समझ लो फेक जॉब है, मैं बता रहा हूं आपको। और प्लीज पैसा मत दें, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जॉब लें प्राइवेट सेक्टर में। उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में अगर फ्रेशर हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, फिर आपका फाइनल कंफर्मेशन होता है। तो बस आप रेडी हो, अगर जॉब के लिए फ्रेशर हो तो तैयार हो जाओ, इन पोर्टल्स पे कर दो। और अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो आप तो एक चीज और ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज, जॉब नहीं मिल पाती है। तो बस जो चीजें मैंने बताई उस पर काम कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।